वेलकम। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है अपना कंप्यूटर सेटअप कर लिया और कोर्स का इंट्रोडक्शन हो गया, तो चैप्टर वन चालू करते हैं। चैप्टर वन का पहला लेक्चर है जिसमें कि हम जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने लिखा था उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम लिखा था वो प्रोग्राम था कि जो है वो प्रोग्राम सिंपली ये था कि ये प्रोग्राम हमने लिखा था हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड आई ओ डॉट एच मेन, उसके बाद प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड गेट कार और ख़त्म प्रोग्राम। उसे कंपाइल किया था और रन किया था, लेकिन मैंने ये बात नहीं करी थी कि ये प्रोग्राम क्या करता है, कैसे वर्क करता है, ये हमने नहीं सीखा था। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं इस प्रोग्राम को कि ये प्रोग्राम आखिर है क्या और ये कैसे वर्क करता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छा रहता है कि आप ये सीखें कि कमेंट्स कैसे डालते हैं। प्रोग्राम्स किसके लिए लिखे जाते हैं? प्रोग्राम्स ऑब्वियसली इंसानों के लिए लिखे जाते हैं, मतलब जिससे कि हम कोई कोड लिखें तो अगर हमारा दोस्त पढ़े या कोई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाद में पढ़े तो वो समझ पाए कि आखिर ये कोड चलता कैसे है। तो कमेंट्स हम प्रोग्राम सी में दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो स्लैश स्लैश करके, जिसमें तुम लिख सकते हो दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, और जब तुम इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो कंपाइलर इस लाइन को कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा, जैसे कि ये यहाँ पर है ही नहीं, ये जो है उसे कंपाइल ही नहीं करेगा। तो ये लाइन तुम एज अ ह्यूमन तो देख सकते हो लेकिन कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा। इसी के साथ साथ जैसे ये एक अनदर दिस इज़ अनदर सिंगल लाइन कमेंट, इसी के साथ सी में होते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ये जो सिंगल लाइन कमेंट है वो तो एक ही लाइन तक चलते हैं, इनका इफेक्ट अगली लाइन पर नहीं होता, लेकिन इसी के साथ होते हैं मल्टी लाइन कमेंट जो कि मल्टीपल लाइन तक चलते हैं, जिसमें तुम देख सकते हो दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट जो कि एक से ज़्यादा लाइन तक चलते हैं, समझ गए। तो ज़्यादातर मैं सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करूँगा पर कभी कभी मल्टी लाइन कमेंट का भी यूज़ हम करेंगे। कंपाइलर इनको कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। तो ये हमारे मल्टी लाइन हो गए। अब हम बात करते हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। भाई देखो, सी में जो प्रोग्राम होते हैं वो दो चीज़ों के बने होते हैं, एक तो फंक्शंस और दूसरे वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जो है मेन जो है वो फंक्शन का नाम है, मेन एक फंक्शन है और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। इस प्रोग्राम में कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन वेरिएबल बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जिनमें तुम डेटा स्टोर करते हो या फंक्शन में यूज़ होने वाली वैल्यूज़ को रखते हो। इन कमेंट्स को अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं, है ना। अच्छा, जो है यहाँ पर पहली लाइन क्या है प्रोग्राम की, हैश इंक्लूड stdio.h। ये जो है कंपाइलर को बता रहा है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो लाइब्रेरी है उसके बारे में इस प्रोग्राम को बता रहा है और उसे इंक्लूड करने को हेडर लाइब्रेरी को कह रहा है, क्योंकि इस जो फंक्शन हम गेट कार यूज़ करेंगे वो हम तब तक नहीं यूज़ कर सकते जब तक कि हमने, या प्रिंट एफ हम यूज़ करेंगे जब तक कि हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में इसे को इंक्लूड ना कर लिया हो। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं मेन फंक्शन, मेन। तो मेन एक फंक्शन है और ये जो दो पैरेंथेसिस हैं ये बता रहे हैं कि मेन कोई भी इनपुट नहीं लेता। जनरली तुम जो है अगर मान लो दो इनपुट होते मेन के एक्स और वाई, तो तुम ऐसे दो इनपुट एक्स और वाई दे सकते थे, लेकिन मेन जो हमने लिखा है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, तो इसलिए ये एम्प्टी पैरेंथेसिस है। इसके बाद जो है ये कर्ली ब्रेसेस आते हैं जो कि यहाँ शुरू होंगे और यहाँ ख़त्म होंगे। ये डिफ़ाइन करते हैं प्रोग्राम का स्कोप, यानी कि ये जो दो स्टेटमेंट हैं वो इस मेन फंक्शन का पार्ट हैं और कुछ भी जो मैं इसके बाहर लिखूंगा वो मेन का पार्ट नहीं है, वो अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो स्कोप डिफाइन करते हैं। मेन फंक्शन इस प्रिंट एफ पर चालू होगा और इस गेट कार के ख़त्म होने पर ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पर ये कर्ली ब्रेस ख़त्म होगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दो इस फंक्शन में दो स्टेटमेंट हैं, एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है और एक गेट कार स्टेटमेंट है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट की बात करते हैं। प्रिंट एफ खुद एक फंक्शन है और वो फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि ये स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। तो ये जो स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट एफ का आर्ग्यूमेंट है और वो प्रिंट कर देगा। गेट कार एक और फंक्शन है जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड है, जो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, वो बेसिकली आपके वो वेट करता है
कि आप एंटर करो तो फिर वो एग्ज़िट हो जाए। खास नोट करने वाली बात यह है कि एंड में ये स्लैश एन क्या है। ये स्लैश एन बेसिकली एक न्यू लाइन कैरेक्टर है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट एफ जो है नई लाइन खुद से नहीं डालता। अगर मैं जो है न्यू लाइन कैरेक्टर हटा दूं तो देखना क्या होगा। मैं कंपाइल करूंगा प्रोग्राम और उसके बाद मैं उसे जब चलाऊंगा तो हेलो वर्ल्ड ख़त्म होने के बाद यहीं पर कोड रुक जाएगा, जो है नई लाइन पर नहीं आएगा। जब मैंने एंटर दबाया तब नई लाइन पर आया, ठीक है। अगर नई लाइन मैं रखता तो हेलो वर्ल्ड के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता, मैं एंटर दबाता और प्रोग्राम एग्जिट हो जाता, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? तो न्यू लाइन बेसिकली जो भी कैरेक्टर हार्ड टू टाइप होते हैं वो स्लैश से होते हैं। न्यू लाइन इकलौता कैरेक्टर नहीं है, टैब के लिए स्लैश टी होता है। स्लैश को अगर तुम्हें स्लैश ही लिखना हो तो उसके लिए डबल स्लैश लिखना पड़ता है। इस तरह ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इनकी हम आगे डिटेल में और बात करेंगे। तुम ये बात देख सकते हो कि जो आउटपुट ये प्रोग्राम प्रिंट करता है वही एक और प्रोग्राम हम लिख सकते हैं मेन, जो कि सेम आउटपुट आएगा। अगर मैं लिखूं हेलो, ठीक है, उसके बाद मैं एक और वर्ड डाल दूं, ठीक है, और उसके बाद मैं डालूं न्यू लाइन कैरेक्टर, इससे जो आउटपुट आएगा, और इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है, इसको हम कर देते हैं कमेंट। तो ये हमने मेन ऊपर वाला कमेंट कर दिया। जो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो कि पहले आ रहा था, क्योंकि वो हेलो प्रिंट करेगा एक स्पेस के साथ, फिर उसी लाइन में बिना नई लाइन ऐड करे वर्ल्ड ऐड करेगा, फिर एक नई लाइन ऐड करेगा, फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। गेट कार की हमने बात कर ली। गेट कार बेसिकली जैसा मैंने बताया था वो सिर्फ इसीलिए है कि विंडोज़ के जो बच्चे हैं उन्हें आउटपुट दिख पाए, जिससे कि प्रोग्राम आपको ये एंटर दबाने का वेट करे, वरना इमीडिएटली एग्जिट कर जाएगा। तो अगर हम जो है इसी प्रोग्राम को लिखते कमेंट्स के साथ तो हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह दिखता कि जो है, जो कि पढ़ने में भी आता कि तुम ऐड यहाँ कमेंट डाल देते कि भाई इंक्लूड द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसके बाद तुम्हें कमेंट डाल देते डिफाइन द मेन फंक्शन, उसके बाद तुम लिख देते कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और फिर कुछ और कमेंट डाल देते थे कि वेट फॉर द यूजर टू प्रेस। अब ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट कोड है, जिससे कि अगर तुम बाद में कभी पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि अच्छा हो क्या रहा है। और तुम इसे कंपाइल करोगे तो इसका सेम वही आउटपुट आएगा जो कि नॉर्मली आता है, ठीक है। तो ये ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। होपफुली आप सीख गए होंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा था। आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है दो, एक तो ये जो बुक डाउनलोड करोगे उसमें सेक्शन 1.1 पढ़ लेना, और दूसरा ये जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है उसमें कुछ चीज़ें स्किप कर देना, जैसे कि मान लो ये कॉमा हम स्किप कर देंगे, और फिर कंपाइल करना और देखना कि क्या एरर आ रहा है, कि एक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन ये एरर आ गया, या फिर जो है प्रिंट एफ में एफ खा गए, फिर कंपाइल करने की कोशिश करी उसने कुछ एरर दे दिया। तो इस तरह से वेरियस पार्ट्स कर देना, मान लो इंक्लूड लाइब्रेरी नहीं लगाई, और फिर कंपाइल करने की कोशिश करी तो देखो कि क्या हो रहा है, ये सब एरर से अपने आप को फैमिलियर करना, ठीक है। चलो।